अब करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, अब तक जो लेसन हमने पढ़ा था उसमें हम चार्ज को कहते थे स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है रुका हुआ, अपनी जगह रुका हुआ स्टेशनरी चार्ज। रुके हुए चार्ज की जो भी स्टडी हमने करी है अब तक, वो सब स्टैटिक चार्ज के लिए करी है। जैसे कैपेसिटर की प्लेट है, कैपेसिटर की प्लेट को एक बार चार्ज दे दिया आपने, अभी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गई या कुछ और जो भी है, वो रुके हुए चार्ज की स्टडी थी सारी की सारी। लेकिन जब कोई चार्ज मूव करने लगे, ये कोई चार्ज बॉडी है, भले ही ये इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटोन हो या कोई आयन हो या कुछ भी है, एनीथिंग, ये पॉजिटिव, मैंने इस पर चार्ज दे दिया पेन का और इस चार्ज पेन को मैं मूव कराने लगा, तो जो मूविंग चार्ज है इस मूव करते हुए चार्ज को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कुछ और नहीं है बल्कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करने लगे तब हम उसे बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और मूविंग चार्ज की जो भी स्टडी है उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब चार्ज मूव कर रहा हो तब की स्टडी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है। अब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है एक्चुअली मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज का मोशन है ये, मोशन ऑफ चार्ज। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखिए, एक पाइप है, उस पाइप के नीचे आपने एक बाल्टी रखी हुई है, पाइप में से पानी आ रहा है और बाल्टी भर रही है। एक दूसरा पाइप है, पड़ोसी का नल है किसी और का, इसके नीचे भी आपने वही बाल्टी रख दी। ये पता चला पहले वाले नल के नीचे बाल्टी भरने में 10 मिनट लगे, दूसरे वाले ने 2 मिनट में भर दी। तो आपको साफ पता चल गया कि यहाँ से पानी का बहाव तेज है, यहाँ पानी का बहाव कम है। पानी का बहाव का मतलब हो गया वाटर करंट। बहाव का मतलब होता है करंट। आपने कहा कि यहाँ करंट कम है, क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर के लिए इसने ज्यादा टाइम लिया, इसने कम टाइम लिया। सेम टाइम के लिए, अगर आप सेम टाइम के लिए आप कंपेयर करें, पता चला इसने 2 मिनट में आधी बाल्टी भरी इस वाले पंप नल ने, और दूसरे वाले नल ने क्या हुआ, 2 मिनट के अंदर पूरी बाल्टी भर दी। तो सेम टाइम में ज्यादा अमाउंट आपको मिल गया, तब आप कहेंगे कि इसकी पानी की करंट, वाटर करंट स्ट्रॉन्गर है और इसकी वाटर करंट कम है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रिक करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी क्या, टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में हो गया, जब टाइम से डिवाइड करोगे आप चार्ज को, ये हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो होने का रेट। और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा dQ/dt, कूलम पर सेकेंड। करंट इलेक्ट्रिसिटी I = रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को अमाउंट ऑफ चार्ज को डिवाइड कर दीजिए जितने भी टाइम में वो फ्लो हुआ है, कूलम पर सेकेंड। इसका दूसरा यूनिट है जो कन्वेंशनल यूनिट है, एम्पियर। एम्पियर ज्यादा कन्वेंशनल यूनिट है किसके कंपैरिजन में, कूलम पर सेकेंड के। तो 1 एम्पियर इक्वल्स 1 कूलम/1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आपका वायर है, वायर का एक क्रॉस सेक्शन आपने कंसीडर करा, वायर का एक क्रॉस सेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर गया इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज इसमें से फ्लो कर गया, तब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कितनी है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ 1 एम्पियर की करंट चल रही है। तो 1 एम्पियर = 1 कूलम/1 सेकेंड। जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में पास हो जाए, तब इसमें पास हो चलने वाली करंट हम कहते हैं 1 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है। बात समझ आई इतनी?
लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन वन एम्पियर, डिफाइन वन एम्पियर, तो ये वाली डेफिनेशन हम नहीं लिख सकते। कौन सी? कि वन एम्पियर इज इक्वल टू वन कूलम अपॉन वन सेकेंड। एक सेकेंड में एक कूलम का चार्ज फ्लो हो जाए तब हम इस करंट को बोलेंगे वन एम्पियर। ये डेफिनेशन नहीं है करंट की, वन एम्पियर करंट की डेफिनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन इसकी एक्चुअली कुछ और है। यहाँ तो हम ये कहेंगे वन कूलम चार्ज है, वन सेकेंड में पास हुआ, देन द करंट इज इक्वल टू वन एम्पियर। इज नॉट वन एम्पियर, इट इज इक्वल टू वन एम्पियर। दोनों में बात में फर्क होता है बहुत। ठीक है, ये तो करंट हो गए। अब चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं हम। देखिए, किसी भी मेटल है, आपके पास एक मेटल कंडक्टर है, चाहे वो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कोई भी मेटल है, वो दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। आयंस ना बोलकर इन्हें हम बोलते हैं, इसके अंदर आयंस ना बोलकर बोलते हैं कर्नल्स, कर्नल्स। और फिर इनके बीच बीच में घूमने फिरने वाले, इनके बीच बीच में चलते हुए क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बना हुआ है। जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जब आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, क्या इस कंडक्टर को आपने एक साइड जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, एक साइड जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इस्टेब्लिश हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया। कहां से? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को भी और बहुत सारे टीचर्स को भी कि मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये पढ़ा कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कंडीशंस पर। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस्टेब्लिश हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, चलने के लिए फ्री है, इनके ऊपर एक फोर्स लगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स लगा। और क्योंकि ये चलने के लिए फ्री है तो फिर चलते चले गए, एक इलेक्ट्रॉन निकल कर आया, एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में गया, तुरंत उसी टाइम एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से निकलकर मेटल में पहुंच गया। मेटल में कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला तो एक इलेक्ट्रॉन वापस पहुंच भी गया। बस हुआ क्या इस बैटरी लगाने से? इस बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो गया। जबकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए कर्नल्स रखे हुए पॉजिटिवली चार्ज, इनका कोई भी मोशन नहीं होता, कोई भी मोशन नहीं होता, और कन्वेंशनल करंट ली जाती इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके करंट होगी कन्वेंशनल करंट। करंट, करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में। हमेशा याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन में है। अगर कोई एक पॉजिटिव पार्टिकल है, सपोज हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन है इधर को चल रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी हम इसी डायरेक्शन में कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, वो चल रहा है इस साइड, तो फिर अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इसके अगेंस्ट होगी, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पॉजिटिव टर्मिनल में गया, निगेटिव टर्मिनल से फिर वापस गया, तो इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट हम इलेक्ट्रॉन के मोशन के अगेंस्ट उल्टा बोलेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने वाला जो मेटल है, ये आपका मेटल में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने वाला कौन है? मेटल में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने वाला है ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज पार्टिकल तो यहाँ और भी हैं, ये पॉजिटिव आयन भी हैं, लेकिन पॉजिटिव आयन ये कर्नल्स अपनी जगह से हिल ही नहीं पाते, इतने भारी भरकम है, आपस में जुड़े हुए हिल नहीं पाते, और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री हैं चलने के लिए, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक करंट को बना देते हैं। यहाँ कौन है मेटल्स में चार्ज कैरियर्स? कौन है? केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है?
आपने नमक लिया, नमक को या तो पिघला दिया या फिर उसे पानी में घोल दिया। तो जब नमक को पिघला दिया, पानी में घोल दिया, तो इसमें दो तरह के आयनाइज आयन्स हो गए, एक तो सोडियम आयन पॉजिटिव और एक क्लोराइड आयन निगेटिव। और फिर आपने इसमें दो मेटल प्लेट डुबो दी, दो मेटल प्लेट आपने यहाँ डुबो दी, एक मेटल प्लेट ये और दूसरी मेटल प्लेट ये, ठीक है। और इसको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या हुआ, फिर से वही बात है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिया तो इस मटेरियल के, इस लिक्विड के अंदर या मोल्टन स्टेट जो भी है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जो पॉजिटिव आयन है इस पर फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव की तरफ को चलने लगेगा, और जो क्लोराइड आयन है, नेगेटिव आयन है, इस पर फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलने लगेगा। यहाँ पहुंचेगा सोडियम आयन, एक इलेक्ट्रॉन आएगा बैटरी के टर्मिनल से, सोडियम आयन का चार्ज प्लस चार्ज न्यूट्रल करके सोडियम यहाँ चिपक जाएगा। इधर पहुंचा क्लोरीन, क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया बैटरी में, क्लोरीन का एटम बन गया। तो एक्चुअली यहाँ इस पूरे लिक्विड के अंदर दोनों प्लेट्स के बीच में जो चार्ज का फ्लो है, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये कौन कंस्टिट्यूट कर रहा है, क्या हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट कौन कंस्टिट्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं आपके कौन, कैटाइंस एंड एनाइंस। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है कोई भी, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ कोई नहीं है, नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन, कैटाइन है और एनाइंस। तो चार्ज कैरियर इन इलेक्ट्रोलाइट आर कैटाइंस एंड एनाइंस, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ कोई नहीं है। अगला है गैसेस, अगला गैसेस है, गैसेस में जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जैसे कि आपकी CFL है, CFL है या कैथोड रे ट्यूब जेडी थॉमसन वाली, ये यह आपने यहाँ लगाया, हाई वोल्टेज लगाया इसके ऊपर, तो इसके अंदर जो भी गैस आपकी भरी हुई है, उस गैस का आयनाइजेशन हो गया, गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गया, पीछे रह गया पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश्ड है, एक साइड आपने प्लस दिया हुआ है, दूसरी साइड आपने माइनस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, प्लस से माइनस की तरफ। तो फिर पॉजिटिव आयन चलने लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है चलने लगेंगे कहाँ, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ चार्ज कौन कैरी कर रहा है, पॉजिटिव आयन चार्ज लेकर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज लेकर जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपके जो गैसेस हैं, गैसेस में चार्ज कैरियर्स कौन कौन है, कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फर्क है, देखिए दोनों में अंतर है, इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन और एनायंस है, इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई भी यहाँ, जबकि गैसेस में कैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन, कैटायन भी है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरा आता है सेमीकंडक्टर, चौथा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स का पूरा एक लेसन है, लेकिन यहाँ उसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है 11th क्लास में, सेमीकंडक्टर में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक्चुअली पार्टिकल नहीं होता, होल्स होते हैं, गड्ढे, ये क्या है, ये होल्स हैं, और इनके बीच बीच में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच बीच में ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। जब आपने इस पर एक बैटरी अप्लाई करी, बैटरी अप्लाई किया, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आपने एस्टेब्लिश कर दिया, तो फिर वही बात है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगने लगती इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन तो चल गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलने लगे, लेकिन अभी होल्स का क्या होता है, होल्स का क्या होता है, देखो होल्स में ऐसे होता है, होल अपने आप में कोई पार्टिकल नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये तो एक एक तरह का गड्ढा है, एक तरह का गड्ढा है जहां कुछ भी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है कि एक कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन
यहां से आता इस गड्ढे को फिलअप कर देता है, इस खाली जगह को फिलअप कर दिया, लेकिन जहां से गया इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से, वहां इसने एक गड्ढा क्रिएट कर दिया। उसके बाद फिर बराबर वाले एटम में से एक इलेक्ट्रॉन जाकर इस गड्ढे को फिलअप कर दिया, तो जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन गया उस वहां गड्ढा क्रिएट हो गया। तो ये जो गड्ढा है, ये जो होल है, ये आपको ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ चल रहा हो, ठीक वैसे जैसे दिवाली की झालर नहीं होती, दिवाली की लड़ी होती है, उसमें बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं ये, लेकिन इनके जलने और बंद होने का, ऑन और ऑफ होने का सीक्वेंस ऐसे होता है, पहले ये जलता फिर ये बंद होता, फिर ये जलता फिर ये बंद होता, फिर ये जलता, तो आपको एक मूविंग इफेक्ट दिखाई देता है, एक रनिंग इफेक्ट दिखाई देता है, एक रनिंग इफेक्ट दिखाई देता है, जबकि चल कोई भी नहीं रहा, लेकिन वो ऑन ऑफ होने का सीक्वेंस ऐसा है कि रनिंग इफेक्ट देता है। ठीक वैसे यहाँ होल चल नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है एक्चुअली, लेकिन ये सोचो कि यहाँ होल था, ऑन था, ये ऑफ हो गया, तो अगले बराबर वाला ऑन हो गया, फिर ये ऑफ हुआ तो इसके बराबर वाला ऑन हो गया, फिर ये ऑफ हुआ तो इसके बराबर वाला ऑन हो गया, इस तरह से ये होल आपका चलने लगता है कहाँ, निगेटिव टर्मिनल की तरफ को, होल चलने लगा निगेटिव की तरफ को। तो फिर यहाँ कौन कौन है चार्ज कैरियर, सेमी कंडक्टर में आपके चार्ज कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये दोनों मिल करके इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट करते हैं, चार्ज कैरियर्स बन के इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। बात यहाँ तक की समझ में आई? इनमें से एक 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 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, आपको ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट में कौन है चार्ज कैरियर, सिर्फ आपको लिखना है कैटायंस एंड एनायन, बात एक नंबर मिल गया। गैसेस में कौन है चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायंस। हाँ बस ये बात जरूर है कि कैटायंस आपने लिख दिया और ये लिख दिया इलेक्ट्रॉन्स, इसके आगे वर्ड फ्री नहीं लिखा, तो नंबर फिर फ्री में नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। और यहाँ सेमीकंडक्टर्स में कौन कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, अगर इसमें भी आपने फ्री वर्ड नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स लिख दिया, तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, फ्री भी है, और इस जितने फ्री है उससे करोड़ों गुना ज्यादा बाउंड है, बंधे हुए हैं, आगे हम पढ़ेंगे पूरे इसमें, तो वो जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज को कैरी नहीं करते, केवल वो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो ही चार्ज कैरी करते हैं, तो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, आगे हम कल करेंगे इसे, क्या था जी वो, ऑल कंट्रोल टी, तो ये आ गया कैप्चर, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन फिलहाल कर तो लूँ, है ना, ऑल कंट्रोल टी। ये क्या क्या है, ये कैप्चर,